हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ डिमांड के पार्ट टू में। पार्ट टू में जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व एंड इट्स स्लोप। ठीक है, स्टार्ट करते हैं डिमांड शेड्यूल से। डिमांड शेड्यूल की जो डेफिनेशन है, डिमांड शेड्यूल कहता क्या है, देखिए कमोडिटी, किसी भी कमोडिटी के प्राइस और क्वांटिटी के रिलेशनशिप को शो करना, दिखाना, जिस टेबल में हम इसे शो करते हैं उसे डिमांड शेड्यूल कहते हैं। ठीक है ना, एक टेबल होती है जो प्राइस और क्वांटिटी को शो कराती है। देखो दो प्रकार की होती है डिमांड शेड्यूल, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड शेड्यूल। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल को पढ़ेंगे। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एक टेबल है जो क्या करती है, एक इंडिविजुअल बायर के लिए, जो एक इंडिविजुअल बायर होता है और वो कुछ भी, जो भी प्रोडक्ट वो खरीदने जा रहा है उसको रेडी कर, मतलब रेडी हो रहा है प्रोडक्ट खरीदने के लिए, उस पॉइंट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम उसे हम शो करना, उसे हम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल कहते हैं। देखिए रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, हमेशा याद रखना इनवर्स रिलेशन होता है प्राइस और क्वांटिटी का। अगर हमारा प्राइस इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी कम करेंगे, या प्राइस डिक्रीज होगा तो क्वांटिटी हम इंक्रीज कर देंगे। जैसे कि अगर हम वेजिटेबल्स में ले लेते हैं, अगर हमारी टमाटो की प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो हम उसकी क्वांटिटी कम कर देते हैं, मतलब उसको कम शुरू करते हैं, कम लेना शुरू कर देते हैं, या प्याज का दाम बढ़ गए तो हम उसकी क्वांटिटी कम कर देंगे। जिस टाइम पे हम एक किलो यूज कर रहे थे आधा किलो यूज करने लगेंगे। सेम एज टमाटर या किसी भी प्रोडक्ट का अगर प्राइस इंक्रीज हो जाएगा तो क्वांटिटी हम कम कर देंगे, या किसी भी प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो कम हो गया तो हम उसकी खपत यानी क्वांटिटी, मतलब उसकी सप्लाई को बढ़ा देंगे। तो इन दोनों में क्या होगा, रिलेशनशिप इनवर्स होता है। क्लियर। अब देखो इस टेबल के थ्रू समझ लेते हैं। अगर किसी भी प्रोडक्ट का, कोई भी गुड्स एक्स था, उसका प्राइस कितना है, एक रुपए है, तो हमने क्या किया उसको क्वांटिटी में चार खरीद लिया। दो जैसे ही उसका रुपया किया, हमने रुपए को इंक्रीज कर दिया तो क्या कर दिया, क्वांटिटी जो है वो कम हो जाएगी, तीन ही हम क्वांटिटी में खरीदेंगे उसे। अगर उस प्राइस का तीन रुपए हो जाएगा तो हम दो कर देंगे, अगर चार हो गया, चार रुपए कर देंगे तो एक खरीद लेंगे। जैसे 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 वही सेम है टमाटर के लिए, अगर टमाटर हम खरीदने जा रहे हैं, टमाटोज के प्राइस अगर 10 रुपए किलो है तो हम क्या एक किलो टमाटर ले लेंगे आराम से, 20 रुपए किलो कर देंगे तो हम उसको आधा किलो यूज कर लेंगे। अगर मतलब 30 रुपए किलो हो गया तो कम कर देंगे। ऐसे जैसे प्राइस बढ़ता जाएगा हमारी क्वांटिटी कम होती जाएगी। मार्केट डिमांड शेड्यूल पर चलते हैं। देखिए मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या कहता है कि हमारी क्वांटिटीज जो होती हैं, कमोडिटी की क्वांटिटी, समझिए कोई भी वस्तु की जितनी भी क्वांटिटी, और हमारे सारे के सारे बायर्स रेडी हो जाएं खरीदने के लिए, किस पर, पॉसिबल प्राइजेस ऑफ अ कमोडिटी पर, अलग अलग प्राइजेस पे अलग अलग क्वांटिटी खरीदें एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, उसी टाइम पर। ठीक है ना, तो मार्केट डिमांड में क्या होगा, अगर देखिए इस टेबल के थ्रू मैं आपको इसको समझा देता हूं मार्केट को। अगर प्राइस हमारा एक रुपए है और कंज्यूमर ए है, समझे, दो भाई गए थे, दो मतलब दो बंदे मार्केट में गए और कुछ सामान खरीदने के लिए गए। ठीक है ना, अगर उस प्राइस का उन्होंने जैसे टमाटो लिया, टमाटो का प्राइस अगर एक रुपए था, उस एक ने 4 किलो खरीदा और दूसरे ने 5 किलो खरीदा, लेकिन उसी प्रकार अगर अगली बार गए या कैसे भी गए, अगली बार गए तो 2 रुपए अगर उसका प्राइस हो गया तो एक ने 3 खरीदा, एक ने 4 खरीदा। क्लियर है ना, तो जो मार्केट डिमांड होगी, मार्केट डिमांड क्या करती है, ए कंज्यूमर प्लस कंज्यूमर बी, यानी पहले बंदे और दूसरे बंदे के दोनों को प्लस करके सम कर देती है, उसे हम मार्केट डिमांड में इंक्लूड कर लेते हैं, समझ गए। इसके साथ साथ अगर तीन होते तो तीनों का प्लस कर लेगी, चार का प्लस कर लेगी, मतलब ऑल द बायर्स, जितने भी मार्केट में बायर्स हैं और प्रोडक्ट को कितनी क्वांटिटी में और कितने प्राइस पर खरीद रहे हैं, ठीक है ना, उसे हम मार्केट डिमांड शेड्यूल में टेबल के थ्रू एक्सप्लेन कर देते हैं। अब स्टार्ट करते हैं डिमांड कर्व। अब देखो डिमांड कर्व होता है, डिमांड कर्व भी दो प्रकार का होता है, ये एक तो स्लोप डाउनवर्ड होता है, पहली चीज डाउनवर्ड स्लोप होता है डिमांड कर्व, दूसरा इंडिकेट नेगेटिव और इनवर्स, ये हमेशा नेगेटिव और इनवर्स करता है रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड क्वांटिटी ऑफ डिमांड। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, शेड्यूल में भी बता चुका हूँ कि क्या होगा, इनवर्स रिलेशनशिप होता है, प्राइस अगर इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी, अगर प्राइस डिक्रीज होगा तो क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज एस्टिमेटेड, देखो प्राइस डिवाइडेड बाय, ये माइनस लगा है, प्राइस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, ठीक है, इसे हम ऐसे एस्टिमेट कर देते हैं। अब सिंपल सी बात है, क्या कह रहा है ये, रेशियो बिटवीन
चेंज इन प्राइस करस्पॉन्डिंग टू अ यूनिट चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। अगर हमारा चेंज इन प्राइस होगा किसी भी क्वांटिटी के लिए तो हमारी क्वांटिटी भी चेंज हो जाएगी। अगर पैसे में चेंज कर दिया हमने तो हमारी क्वांटिटी में भी क्या हो जाएगा, चेंजेस आ जाएंगे। क्लियर है ना। डिमांड कर्व भी दो प्रकार का होता है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व। ठीक है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व जो होता है उसमें सिंगल वायर के बारे में बात करते हैं, इंडिविजुअल वायर के बारे में बात करते हैं कि वो कैसे अपना बाय करेगा, मतलब डिफरेंट प्राइसेस पर डिफरेंट क्वांटिटी को यूज करेगा, खरीदेगा। इसमें भी रिलेशनशिप इनवर्स ही रहेगा, अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिक्रीज होगी और प्राइस डिक्रीज होगा तो क्वांटिटी इंक्रीज होगी। इसको टेबल मतलब इसे कर्व के थ्रू कैसे समझाते हैं, देखो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। क्लियर। अब देखो प्राइस जो है हमारा वाई एक्सिस पे रखा है, क्वांटिटी हमने एक्स एक्सिस पे रखी है। किसी भी क्वांटिटी का, किसी भी प्रोडक्ट का, हमारे कोई प्रोडक्ट है जैसे टमाटो, उसके 2 रुपए प्राइस था तो हमने क्वांटिटी में कितना लिया, 20। अगर उसकी प्राइस इंक्रीज कर दिया, मैंने क्या कहा था प्राइस इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी तो 15 रह गई। अगली बार 4 प्राइस कर दिया तो क्वांटिटी कितना रह गया, 10। 5 पर आपकी 5 रह गई। तो ये क्या है, डाउनवर्ड कर्व है। ये हमारा देखेंगे तो हमारा क्या हो रहा है, ये हमारा कर्व है, इंडिविजुअल कर्व। इसको हम नॉर्मली स्लोप में बना देते हैं। अब आएगा हमारा मार्केट डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड कर्व सेम है, हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व। ठीक है ना, ये हॉरिजॉन्टली समेशन करते हैं, हम दोनों को जोड़ देते हैं। इंडिविजुअल जो डिमांड है, जैसे एक कस्टमर था उसने अपना कुछ प्रोडक्ट खरीदे डिफरेंट प्राइसेस की डिफरेंट क्वांटिटीज में, दूसरा कस्टमर था उसकी इंडिविजुअली, इन दोनों को बायर्स को मतलब जो दोनों बायर्स हैं उनके दोनों जिस जैसे खरीदा उसमें हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, उसे हम मार्केट डिमांड कर्व में कहला देंगे। ठीक है, देखो ये आप देख रहे हैं, एक इमेज है, ये प्राइस है और ये क्वांटिटी है। क्लियर, तो ये ए का डिमांड कर्व है, ये बी का डिमांड कर्व है। और यहां देखिए डिमांड, मार्केट डिमांड कर्व में क्या कर दिया, इन दोनों को प्लस कर दिया। सेम एज यहां 1+2 3 कर दिया, यहां 2+3 5 कर दिया, ये सब क्या हो गया हमारा प्लस में हो जाएगा। अब हम स्लोप ऑफ कर्व में बढ़ेंगे, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। देखो मार्केट डिमांड कर्व, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व भी स्लोप के थ्रू समझाते हैं, ये भी बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, इसको भी हम आराम से समझ लेंगे। हॉरिजॉन्टल होता है ये भी। क्लियर है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।